Hey, what's up guys, this is Abhishek और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Infinix के अपकमिंग 48 मेगापिक्सल स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, इसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई है। अब देखो, रियलिटी आपको बताऊँ तो मेरे पास ये जो Infinix का नया स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बीटा टेस्टर हूँ इसका। बट यहाँ पे जो Infinix ने रिवील किया है वही मैं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यही Infinix के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हद तक मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Infinix के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अर्लियर मैंने जब वीडियो बनाया था तो उस पर Infinix ने अपने एक्स क्लब पे बेसिकली डाला था, कॉलिंग ऑल Infinix फैंस, टेल अस विच स्पेक्स कॉम्बिनेशन ऑन वुड यू प्रिफर इफ बोथ ओवर एट द सेम प्राइस। यानी कि सेम प्राइस पे दो दो स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन मिल रहे तो आपको कौन सा पसंद है। तो जो पहला ऑप्शन था वो था ड्रॉप नॉच 48 मेगापिक्सल P70 का प्रोसेसर यहाँ पे, और जो दूसरा ऑप्शन था वो पॉपअप सेल्फी 48 मेगापिक्सल और P35 का यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिलता है। यानी कि दो ऑप्शन देखने को मिलता है। अब दोनों ऑप्शन में तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन देखेंगे तो जो ऊपर वाले हैं उसमें भी 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और जो नीचे का ऑप्शन उसमें भी 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर और ड्रॉप नॉच का फ़र्क है, बेसिकली ड्रॉप नॉच मिलता है ऑप्शन वन में और P70 मिलता है जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सेकेंड ऑप्शन में मिलता है पॉपअप सेल्फी 48 मेगापिक्सल और P35 कैमरा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बेसिकली ये जो एक्स क्लब पे Infinix ने पूछा था कि आपको अगर चूज करना है तो आप कौन सा चूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं रिसेंटली आप लोगों को बताता हूँ कि रिसेंटली ये जो अपना Infinix मोबाइल इंडिया ने एक्स क्लब पे क्या पोस्ट किया है। अब उनके दो तीन पोस्ट हम जैसे कि देखेंगे तो फ्रेंड्स, सबसे जो किया था उन्होंने 17/1/2020 में यहाँ पे उन्होंने एम्ब्रेस व्हाट्स विद इन विच मेक्स यू पॉप आउट फ्रॉम रेस्ट 30 डेज टू गो, यानी कि 30 दिन में इनका ये स्मार्टफोन आने वाला है। अब पॉप आउट लिखा है, पॉप आउट का मतलब तो यार एक बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स एक इलिटरेट भी बता देगा कि पॉप आउट मतलब कुछ ना कुछ निकल रहा है। और लेटेस्ट जो पोस्ट था वो था 20/1/2020 को, यहाँ पे ये जो फोटो डाला था उन्होंने, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वाई फिट इन वेन यू कैन पॉप आउट। यानी कि ये जो स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, ये पॉप आउट के साथ यहाँ पे कंफर्म लग रहा है Infinix की तरफ से, क्योंकि दो पोस्ट यहाँ पे पॉप आउट का निकला है, ड्रॉप लॉन्च का अभी तक एक भी पोस्ट नहीं। यानी कि कंफ्यूजन नहीं दे रहा है Infinix अपने एक्स क्लब पे, पॉप आउट करके लिख के आ रहा है, स्टे ट्यून्ड #Infinix इंडिया #पॉप आउट करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हिंट है यहाँ पे। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा ये 100% ऑफिशियली कंफर्म था, क्योंकि ऑप्शन वन ऑप्शन टू में दोनों ही 48 मेगापिक्सल था। अब यहाँ पे ड्रॉप नॉच और P70 मिल रहा था, और जो सेकंड ऑप्शन था वो था पॉप आउट और 35 का प्रोसेसर। तो P35 पे अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दिया, क्या पता P70 भी दे दे आप लोगों को, क्योंकि यार जो ऑप्शन वन में जो P70 वो प्रोसेसर अच्छा है, बट ड्रॉप नॉच मिल रहा था और यहाँ पे पॉप आउट और P35 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे P35 को ना देते हुए यहाँ पे Infinix P70 भी दे सकता है। दो चीज़ कंफर्मेशन है, पॉप आउट करके मेंशन किया गया, और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। मेरे पास तो स्मार्टफोन है ही है, तो वो मैं थोड़े दिन के बाद, चलो आगे करके हम धीरे धीरे करके बताएंगे। तो पॉप आउट करके यहाँ पे Infinix ने फ्रेंड्स हर जगह यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अपने एक्स क्लब पे, बेसिकली पॉप आउट करके मेंशन किया गया है। 30 डेज टू गो यहाँ पे लिखा है, यानी कि 30 दिन में आप ये जो स्मार्टफोन है Infinix का, जो नया स्मार्टफोन वो लॉन्च होने वाला है। और एक मैं बहुत ही बड़ा हिंट दे देता हूँ, ये जो स्मार्टफोन है ये under 10,000 rupees के प्राइसिंग में आने वाला है। जी हाँ, under 10,000 rupees के प्राइसिंग में आने वाला है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन पॉप आउट वाला होगा, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा के साथ होगा। बाकी बस इतना ही दो पता चला है, और बाकी तो जब आएगा तब बता ही देंगे। under 10,000 rupees के बजट में आने वाला ये जो Infinix का नया पॉप आउट स्मार्टफोन। ये वीडियो Infinix के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंडे टेक्निकल चैनल के साथ बोलते रहिए। जय हिंद।